justice हाथ लगे हैं और हमारे पास जो डायरेक्टिव आया था अप्रैल में वो आया था कि इनको तनख्वाह जो है रोक दी जाए, लेकिन इसके बाद इन्होंने डायरेक्टिव का मतलब गलत इस्तेमाल करके बैनर कौन सा है आपका जी बैनर कौन सा है आपका किस बैनर के तहत आप यहाँ पर प्रोटेस्ट हम तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर जो लोकल फंड एम्प्लाईज फेडरेशन की तरफ से जो 2015 के बाद तो जी तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो डायरेक्टिव दिए थे 2015 के बाद जितने भी है उनको रोक दिया जाए तनख्वाह, लेकिन इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करके हम सबको कॉलेजेस के बाहर निकाल दिया। और अगर हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन खुद डायरेक्टर के पास एक बंदा 2018 का है वो काम कर रहा है, संजय सिंह नाम है उसका, संजय सिंह उसका नाम है, और दूसरा बंदा नोडल प्रिंसिपल के पास नाइट वॉचमैन के तौर पर वहां पर काम कर रहा है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी तो वो भी निकाल दिए थे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके एक फेवरेटिज्म का इस्तेमाल करके इन्होंने हमारे डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है। और सेकेंडली अब उन्होंने ओरली हमें पिछली बार नोडल प्रिंसिपल ने कहा था कि आप कॉलेजेस में रूटीन काम कर लीजिए, आपको तनख्वाह भी दी जाएगी, लेकिन जो कॉलेजेस प्रिंसिपल्स है उन्होंने कहा कि लिखित में होना चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि नहीं, लिखित में होना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि आप कॉलेजेस में काम रूटीन में कर लीजिए तो लिखने में आपका क्या जाएगा, आप लिख सकते हो, आपको किसी के साथ मतलब मशावरत करनी है इस बारे में तो आप कर सकते हो, उनके साथ कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर नोडल प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि आप अगर तो प्रिंसिपल मान्य उन्होंने की है तेमिस चापा, और ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाजाबता तौर पर इसकी, तो हम कैसे उनको थप्पड़ मारेंगे भाई इस बात को कि सुमान। तो आप अगर नोडल प्रिंसिपल हो, आप उनके ऊपर हो, अगर आपके पास इतने गट्स नहीं है कि प्रिंसिपल को आप समझा सको तो आप में कमियां पीछे है भाई, आप ये कुर्सी छोड़ के किसी और को दे दीजिए क्योंकि आप इसके लायक नहीं है। फिर आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारी डिमांड ये है कि हमें लिखे दीजिए और हम कॉलेजेस में रूटीन काम कर लें, यही हमारा ये है। और ये अपील हमारी एलजी साहब से भी है कि वो इंटरवीन करके इसमें मुदाखलत करके हमारा मसला हल कर दें। थैंक यू। हमारे साथ।